हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से अंजू राजपूत के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल और कद्दू की बहुत ही टेस्टी सब्जी दोस्तों, और इसकी रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। आप सभी लोग हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो चलिए हम बनाते हैं चने की दाल और कद्दू की सब्जी। सब्जी बनाने के लिए हमने ले लिया है 1/2 किलो कद्दू, और इसको हमने काट लिया है। छोटे छोटे टुकड़े हमने इसके बना लिए हैं, और काटने के बाद हमने इसको अच्छे से धो लिया है। और धोने के बाद हम ले लेंगे एक प्याज। प्याज की हम एक बड़ी आड़ी ले लेंगे और उसको काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। यहाँ पर हमने 1 कटोरी दाल रात में भिगो दी थी। ये चने की दाल है दोस्तों, और इसको हमने रात में भिगो दी थी। बहुत अच्छी तरीके से ये सॉफ्ट हो चुकी है, और अब हम गैस को ऑन करेंगे। कढ़ाई रखेंगे हम, लोहे की कढ़ाई में सब्जी बना रहे हैं, तो आप कढ़ाई ले लीजिए या किसी भी तरह की कढ़ाई आप ले लीजिए। और उसमें आप डालें सरसों का तेल। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल डाल लिया है। तेल हमारा जब गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे मेथी दाना दोस्तों। इस सब्जी को हम मेथी दाना से छौंक रहे हैं, तो आप मेथी दाना डाल लीजिए। मेथी दाने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर हमने 10 से 12 दाने डाल दिए हैं मेथी के, और इसी में हम कटा हुआ प्याज और 2 हरी मिर्ची भी हमने काट ली हैं, और इनको भी हम तेल में डाल करके गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। जब ये प्याज और हरी मिर्च हमारी अच्छे से पक जाएगी, तब हम इसमें मसाले डालेंगे। बहुत ही हल्के मसाले में हमने इस सब्जी को बनाया है। यहाँ पर हम 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी डाल रहे हैं। 1/2 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्ची हम डाल देंगे। 1/2 चम्मच से कम हम इसमें गरम मसाला डालेंगे दोस्तों, और 1 चम्मच भर के हम धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, इससे हमारी सब्जी का स्वाद बढ़ेगा। तो धनिया हमने ज़्यादा डाल दी है, और इन सारे मसालों को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। मसाला जब हमारा भुन जाएगा तो हम सबसे पहले इसमें कटे हुए कद्दू के पीस डाल देंगे, और कद्दू के पीस डालने के बाद हम इसको खूब अच्छे से चला देंगे। मसाले मिक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए, इस कद्दू को भी हम भून लेंगे। ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। आप इसको चाहे तो चावल के साथ खाएं, चाहे रोटी के साथ खाएं, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों। और इस सब्जी में हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि कद्दू से पानी ऐसे ही निकलता रहता है। तो हमने कद्दू को भून लिया है, और इसी में हमने नमक डाल दिया है। स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजिए, और इसको फिर से हम चला देंगे। चलाने के बाद हमारी जो दाल है भीगी हुई, उस दाल को भी हम कद्दू के साथ ही डालकर भून लेंगे थोड़ी देर। 2 से 3 मिनट हम इसको भूनेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक हम इसको नहीं भूनेंगे। खूब अच्छे से हम इसको चला करके मिक्स कर देंगे, और 2 से 3 मिनट हम ऐसे ही भूनते जाएंगे। उसके बाद हम इस पर ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढक्कन लगा कर छोड़ देंगे, और 5 मिनट के बाद हम ढक्कन को फिर से हटाएंगे दोस्तों। ये सब्जी धीरी आंच पे ही पकाई जाती है, और आप लोग धीमी आंच पर ही इस सब्जी को पकाइएगा। 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन को हटा लिया है। इस सब्जी को हम फिर से चला देंगे। हमने एक बड़ा टमाटर लिया है, और टमाटर को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और ये टमाटर भी हम डाल देंगे सब्जी में। डालने के बाद हम इसको अच्छे से चलाएँगे। चलाने के बाद हम फिर से इस पर ढक्कन लगा देंगे, और ढक्कन लगाने के बाद हम 5 से 6 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे। तो अभी देखिए हमारी सब्जी में थोड़ा थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है। ये पानी कद्दू से निकला हुआ है, हमने बिल्कुल पानी यहाँ पर नहीं डाला था। 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन को फिर से हटाना है, और इस सब्जी को चला लेना है कि कहीं चिपक ना जाए नीचे से। तो देखिए हमारी सब्जी लगभग पकने वाली है। हम 1 से 2 मिनट तक हम खुला रखेंगे इसको, खुले आँच पर, धीरे आँच पर इसको हम खुला पका लेंगे। और ये पककर हमारी सब्जी रेडी हो गई है। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसको रोटी या चावल किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं दोस्तों। चना और कद्दू की सब्जी बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।